पक्का कर दो। माशाल्लाह लगता है गोभी खाने वाली मज होती है। माइंड नहीं करना आप बनी है। माइंड नहीं करना आप। उम्र सारी कैमरा मैन है आपके, पान खाने वाला किरला होंगे। सॉरी वीडियो को तो बड़ा डाल दिया। और सही मारिया सी पुत्र, मेरी धी का ऑफिस क्या कह के ना मुझे हंसना हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीफा नसरुल्ला और हमेशा की तरह आपके सामने 24 न्यूज़ में लेकर आई हूँ कुछ खास कुछ नया। और पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत अमानुल्लाह, जो कि मजाक के बेताज बादशाह थे, आज उनकी बेटी मेरे साथ हैं जरगून। जरगून अमानुल्लाह सब जानते हैं। जरगून ये बताइएगा, आपका नाम जरगून है या जरगून है? हर बंदा जो है वो मुझे जरगून के नाम से बुलाता है। मेरा नाम जरगून नहीं है, ये उतर जरगून। यूट्यूब पे मैं अपना नाम लिखूँ जरगून, वैसे मेरा नाम जरगून है, जरगून लिखूँ तो जरगून आ जाती है। मैं हैरान होती यार, मुझे ही नहीं, मेरा ही नाम मतलब गलत है। तो वैसे मेरा नाम जरगून है, प्लीज़ जरगून नहीं है, इसको करेक्ट करें आप लोग भी। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे कुछ जरगून बुलाता है, मेरा नाम जरगून नहीं है। वैसे आपके नाम का मतलब क्या है? चमकती चीज़ मतलब है मेरे नाम। तो आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी सिस्टर्स बड़ी थैंक यू माशाल्लाह जी जी। तो किस पर आपके जो आपके फीचर्स हैं किस पर है ज़्यादा? मेरी बड़ी जो दो बहनें हैं वो तो सारे कहते हैं कि वो अम्मा पर गई हैं, और मुझे भी लगता है ऐसा, हम सभी को लगता है कि वो वाकई अम्मी पर गई हैं। मैं जो हूँ मैं तो अब्बू पर गई हूँ, क्योंकि मेरे बाल अगर देख रहे हैं, वैसे तो मैंने इनका ट्रीटमेंट कराया है, वैसे ही मेरे बिल्कुल अब्बू की तरह मेरे बाल हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेम अब्बू की तरह के मेरे बाल हैं। तो मैं बचपन में मैं बहुत चिढ़ती थी कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, बाकी जो बहन हैं उनके तो बाल बड़े अच्छे, मेरे क्यों ऐसे बाल होने थे। तो अब्बू ने मुझे हंस के कहना, शुक्र करया कर तू मेरे वर्गी लगनी है। तो आज मैं बोलती हूँ यार मैंने क्यों के लिए ट्रीटमेंट्स करा करा के इनको स्ट्रेट करा लिया है, मेरे वैसे ही ठीक थे अब्बू की तरह के। अच्छा, आपकी बहनों को मिलाकर कुल आपके कितने बहन भाई? चार बहन भाई हैं आपके? चार, और जो अमानुल्लाह साहब की, मतलब हम टोटल 14 बहन भाई हैं। 14 बहन जी। आगे क्या फ्यूचर में सोचा है आपने? आगे फ्यूचर में पहले तो मैंने बनना कुछ और था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो डिज़ाइनर बन जाती हूँ। मुझे अब्बू ने कहा कि यार तू ना डिज़ाइनर बन पुत्र। मैं वो एक है ना बीजी, उनसे मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो वालिद साहब ने मुझे घर आके कहा कि चल अम्मी मना करती है कोई बात है, तू डिज़ाइनर बन जा। मैंने कहा वाकई? कहते मेरी एक बड़ी बहन और भी हैं, वो भी डिज़ाइनर ही हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम भी डिज़ाइनर बन जाओ। मैंने कहा चले ठीक है बन जाती हूँ। फिर जब मैं उस फील्ड में गई, मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया उसके अंदर कि मैंने मेरे अंदर अब कूट कूट कर मेरे अंदर भरा हुआ ये जो डिज़ाइनिंग का सिलसिला है सारा। तो इंशाल्लाह आगे मेरा अपना ब्रांड खोलने पर है वालिद साहब के नाम से, और साथ मेरा प्लान फ्यूचर प्लान ये है कि वालिद साहब के नाम पर एक फैमिली थिएटर शुरू करूँ। बचपन कैसा गुजरा? मेरा ये सीन था कि मैं और नूर, मतलब मेरे से बड़ी वाली बहन, हम ना अब्बू के साथ मतलब ज़रा ज़्यादा क्लोज थे। बड़े वाले तो मतलब बड़े बहन भी थे, वो तो पढ़ाइयों में पूरी तरह पढ़ गए हुए थे। तो मैं 2 क्लास में थी, मेरी बहन नूर है जो वो मेरा ख्याल है 4 या 5 क्लास में होगी। तो हमने अब्बू से बोला हमने आपके साथ ड्रामे पर आना है। अम्मी ने बोला तुम लोग रात को 11-12 बजे आती हो, तुम लोग की सुबह आँख नहीं खुलती, नहीं जाओगी। एक दिन अम्मी ने बड़ी लड़ाई की, नहीं जाना तुम लोगों ने, तुम लोग स्कूल जाओगी। मैंने अब्बू के कान में बोल दिया, मैंने कहा आपने कल मुझे स्कूल से आप पिक करने आएंगे मुझे, वैसे हमें अम्मी पिक करती थी। अब्बू ने कहा ठीक है। अब्बू ने कहा अम्मी से कि मैं बच्चियों को मैं पिक कर लूँगा, तुम आज घर आराम करो। अब्बू ने जनाब हमें पिक किया, वहीं से आगे निकल गए। अम्मी कॉल पे कॉल कर रही हैं किधर अब्बू, मैं आ गया हूँ आगे बच्चों के नाल। इस तरह की शरारतें वालिद साहब के साथ बड़ी याद आती हैं कि अम्मी से चोरी जाया करते थे। टिकटॉक का कैसे शौक़ पड़ा? टिकटॉक का मुझे शौक़ ऐसे पड़ा, तब टिकटॉक नहीं थी, तब डब स्मैश होती थी, तब से मुझे मतलब वीडियोस बनाने का शौक़ पड़ा। तब मैं अकेली बनाया करती थी, मैं भी टाइम पास कर लिया बिला वजह। तब ये सो के उठे ना बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, जनाब डब स्मैश खोल के ऐसे गंदे मंदे हो गए, मैं डब स्मैश बना रहे हैं। फिर डब स्मैश के होते हुए एक ऐप आई थी म्यूज़िकली, हाँ म्यूज़िकली आई थी, फिर उस पर मैंने जो है वो मैंने बनानी शुरू की, और उस पर मतलब इंडियन फेमस टिकटॉक मतलब इंडियन फेमस म्यूज़िकल की वो म्यूज़र्स थे, मतलब अब तो वो टिकटॉकर्स कहलाते हैं, जब म्यूज़िकली थी तो वो म्यूज़र्स कहलाते थे। वो मेरे काफ़ी दोस्त बने, मुझे बड़े अच्छे दोस्त उस पर मेरी बनी।
तो बस फिर टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। म्यूज़िक अली का नाम टिकटॉक बना, फिर वालिद साहब के साथ जब बनानी शुरू किया, असल में मुझे लोगों का प्यार बहुत मिला, लोगों के प्यार ने मेरे अंदर जज्बा जगाया कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। सबसे अच्छी टिकटॉक कौन सी है जो बहुत वायरल हुई आपके साथ? बहुत ज़्यादा वायरल तो मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, लेकिन जो एक बहुत जो सही वायरल हुई है वो ये थी कि उस पर टिकटॉक पर ना एक कोई वो चला था ट्रेंड, उसमें ना मतलब दो लोगों के साथ आप पिक्चर्स मर्ज करते थे, तो मैंने उसमें अपने वालिद साहब के साथ की, तो मतलब वालिद साहब हैं उसमें एकदम से यूं एकदम मैं आ गई, तो लोगों ने बड़ी पसंद की, यार डिटो शक्ल है, कितनी सेम शक्ल है इसकी, तो वो मेरी बड़ी वायरल गई थी। फिर एक और मेरी थी कि वो वालिद साहब का ही था, एक जगह थी उनकी कि सियाने कहते ना कि बीवी तो गड्डी वह लवो जिदे कोल खलोते मालिक लगो, तो उसमें ना मैंने ऐसे अपनी अम्मी की पिक्चर कर दी ऐसे आ गए, तो वो उससे बड़ी वायरल हुई थी। वो याद रखती हैं आप? जितने याद करनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि ज़िंदगी में ज़रूरत, एक मिनट, ज़िंदगी में और बड़े काम होते हैं, जेन से फुर हो जाती हैं, निकल जाती हैं। वो एक वालिद ही थे, वालिद साहब ही थे जो एट द स्पॉट मतलब यूं करके फटाक से जुगत कर दिया करते थे, उस तरह का हर इंसान नहीं कर सकता। वैसे आपको कोई कहे कि फौरन फौरन इस चीज़ पर जुगत मार दो, ट्राई कर सकती हूँ जुगत दे पक्का कर दो माशाल्लाह लगता है गोभी खाने वाली मत जोंदी है माइंड नहीं करना आप बनी है यार अच्छा माशाल्लाह तुसी इस तरह तैयार हो के आए हो, लगता नहीं कि आंटी की कमेटी निकली है तो जो कैमरा मैन है आपके लगता पान खाने वाला किरला होंगे माइंड मत कीजिएगा भाई। कैमरामैन पर एक और जुगत लगाएं। हाँ जी, कैमरामैन को एक और जुगत लगाएं। स्मार्टनेस पे तो नहीं, माशाल्लाह चिकड़ का कोफ्ता होता सॉरी भाई, बड़े बढ़िया सॉरी। अच्छा मुझ पे एक और जुगत लगाएं। आप पे एक और जुगत याद करनी पड़ेगी। हाँ, कोई नहीं, आपको देख के हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्या जुगत हो सकती है। अच्छा आपकी तरह की औरतें ना घर में लड़ाई डरवा के बड़े आराम से बैठी होती थी, पप्पे घुटन होती मेरे बड़े भाई हैं मोहित, ना बड़े तैयार हुए हुए तो अब्बू के पास आके बोलते ऐसे ना घर अंदर एंटर हुआ तो बोलता अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अब्बू, तो अब्बू करते हैं माशाल्लाह, लगता नहीं अफ्रीका का गोर कंद है तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपस में भाई जुगते कभी लगाई? बहुत ज़्यादा। बस ये है कि मतलब वालिद साहब जो थे हमारे साथ पंजाबी में, ऐसा नहीं है कि हमें पंजाबी आती नहीं, माशाल्लाह हमें बड़ी अच्छी पंजाबी आती है, बहुत अच्छी पंजाबी आती है, लेकिन हम बहन भाई जब आपस में बात करते हैं ना तो हम सारी बात उर्दू में करते हैं, ठीक है, जो जुगत है ना वो पंजाबी में, आपको तो उसका स्वाद ही पंजाबी में आता है जुगत का। स्कूल में जब पढ़ती थी लोग, अब बच्चियाँ जो आपके साथ पढ़ती थी, स्टूडेंट्स थी जो आपकी क्लासमेट्स थी, कैसे वो देखती थी आपको? कभी किसी ने आपके फादर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर? मेरे वालिद साहब ने कभी मेरी फ्रेंड्स को ऐसा नहीं शो कराया कि मतलब वो कोई गैर है, मेरे वालिद साहब ने उनको बेटियों मतलब मेरे से ज़्यादा प्यार किया। मेरी कभी कोई दोस्त घर आ गई है ना तो उसको पूछेंगे बेटा मेरी बेटी है आप इसकी दोस्त बाद में हो, तुम मेरी बेटी पहले, तुम पहले मेरी थी हैं बाद से तो यदि सहेली हैं, मतलब बहुत प्यार करते थे मेरी दोस्तों को। और अभी तक मतलब मैं मतलब जहाँ मेरे ऑफिस में मेरी फ्रेंड मेरे कलीग्स पागल थे मेरे वालिद साहब के लिए। वालिद साहब के साथ आपका ताल्लुक वालिद साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैं मुझे ना उन्होंने बचपन से बड़ा पैम्पर्ड रखा है उन्होंने मुझे, मतलब मैंने कोई चीज़ मांग ली है ना तो मैंने बर्दाश्त नहीं करना कि उस चीज़ में दो दिन भी क्यों लग रहे हैं, मैंने कहना है दो घंटों में मेरे पास हो, लेकिन फिर अबू ने मेरी आदत आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंसान बनाया, बेटा दो घंटे में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को चीज़ें मिलने के लिए साल लग जाते हैं, कम अज़ कम हफ्ता तो दो हफ्ते तो तुम इंतज़ार किया करो, मतलब अब ये है कि वो मेरा बचपन था, बचपन में हर बंदा ज़िद्दी होता है, लेकिन वालिद साहब ने मुझे बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दिया है मेरी मतलब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ तक। वालिद साहब मेरे कॉलेज के बाहर खड़े हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर खड़े हुआ करते थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताना यार तुम्हारे अबू बाहर खड़े हुए हैं, मैंने उनको कहना अच्छा अबू आपने मुझे बताया नहीं, तेनू पता लगे तेरा प्यो आया तू कभी पढ़ेगी, मैंने कहा ये तो सही कहा मैं तो भाग के आ जाऊँगी। जिसको पता लगता था ना कि मैं अमानुल्लाह साहब की बेटी हूँ, इज़्ज़त की निगाह से कभी किसी ने मुझे नज़र उठा कर नहीं देखा, और आज तक ये बात मेरे लिए एक
बड़ी अच्छी बात है, मुझे टिकटॉक पे आज तक कभी कोई बुरा कमेंट मैंने नहीं देखा कि मेरी टिकटॉक पे किसी ने कोई किसी किस्म का घटिया या बुरा, मतलब बाकी टिकटॉकर्स के साथ होता है ऐसा, लोग कमेंट करते थे ये बकवास है ये क्या है, लेकिन मेरे साथ इतना इतनी इज्जत कि अब लास्ट नाइट मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें किसी ने लिखा हुआ कि आप अमानुल्लाह की बेटी नहीं, आप हमारे बुज़ुर्ग की बेटी हो, आप हमारी आप अपने भाइयों की बहन नहीं, आप पूरे मुल्क की बहन हो, आप पूरी दुनिया की बहन हो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतनी इज्जत। स्मार्ट भी हैं, खूबसूरत भी हैं और नैनक्श भी आपके अच्छे हैं तो कभी किसी ने प्रपोज भी नहीं किया? नैनक्श आपको मेरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, खैर तो है प्रपोज ये देख देखें ये बातें तो कहते हैं ना, बताई नहीं जाती नज़र लग जाती है, लेकिन फिर वैसे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मेरी असल में मैं जिस जगह पर गई हूँ ना, मैं मुझे लोगों ने सबसे छोटा ही ट्रीट किया, मेरी आदत मैं बड़ी फ्रेंडली हूँ और मैं कभी किसी भी बात किसी का भी बुरा नहीं मनाती, मैंने कभी, मेरी नेचर में ही नहीं है, मेरी आदत मेरे वालिद साहब पे, मैंने कभी गुस्सा या कभी बुरा मनाया नहीं किसी बात का, तो वो ना सारे मुझे एज अ बच्चा ट्रीट करते थे। मसलन अगर मैं वैसे 21-22-23 साल तक की मेरी एज है, 21-22-23 इसमें से कोई एक है ठीक है मेरी एज है, तो लेकिन मतलब मेरे से छोटे बच्चे भी ना मुझे, मतलब लड़के या वो लड़कियाँ मुझे इमेच्योर समझते हैं। दिल की बातें आप किससे करती हैं? दिल की बातें अपने अल्लाह से, जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तब वालिद साहब से करती थी, और अब वालिद साहब नहीं है तो मैं अभी भी जब मुझे ना कि सुकून तलाश करना है तो भाई मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, और हर जुम्मे के जुम्मे मैं वालिद साहब की मतलब कब्रिस्तान जाना तो नहीं औरतों को होता, नहीं जाना चाहिए, तो मतलब उनकी कब्र जो है ना वो मतलब कब्रिस्तान के मतलब वो दीवार के पास ही है, तो वहाँ से खड़ी होकर बाहर से खड़ी होकर उनसे बातें वगैरह कर लेती हूँ, अल्लाह से बातें कर लेती हूँ, और कुछ चंद समझदार बहनों से दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ। मेरा भाई बड़ा अच्छे मशवरे, मैं उससे बड़े मशवरे करती हूँ अपने भाई से कि मेरे साथ ये ऑफिस में हो गया, मशवरे वगैरह दो, तो बस। बहुत ज़्यादा इमोशनल थी आपको, वो वक्त याद आता है? बहुत ज़्यादा याद आता है यार, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताऊँ, वालिद और वालदा बोलते हैं ना, माँ बाप का गम ऐसा गम है आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलता, आपको सुबह उठते साथ याद आता है ये गम। वालिद साहब का तो मतलब वालदा के बाद ना मेरी वालिद साहब के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि मैंने सुबह मैंने और वालिद साहब ने उठना सुबह 8 बजे, उठ के हमने नाश्ता करना, मेरे वालिद साहब ने मुझे ऑफिस ड्रॉप करना और चले जाए करना अपनी शूट्स वगैरह पे, 5 बजे मुझे वहाँ से पिक करना, और फिर मैंने वालिद साहब के साथ, तो मैं और मेरी बहन नूर हम दोनों का बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा, क्योंकि बाकी सारे बहन भाई मेरे मैरिड थे, तो बस यही है कि वो वालिद साहब के साथ गुजरे दिन याद आते हैं। वेंटिलेटर पर जाने से पहले तो वालिद साहब को मैं ICU की टाइमिंग हुआ करती थी 6-7 बजे ना, उस घंटे में बहरिया हॉस्पिटल में, तो मैं वालिद साहब को मिलने के लिए गई ICU में, तो मेरी आंखों में आंसू थे मगर मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करती थी। उन्होंने मुझे बात कही कि बेटा परेशान ना हो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। मेरे दिल पे ना छुरा छुरा फिर गया, मैंने कहा जी हाँ जी। बोलते आपको पता है जब किसी ने मरना हो ना तो उसको मरने से कोई 10-15-40 दिन पहले लग जाता है पता कि उसने मर जाना है, तो मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसी कोई ख्वाब नहीं है, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने कहा हाँ जी, कि जब मैं कभी याद आऊँ ना तो बेटा 5 दफ़ा दरूद पढ़ना। उनकी इस बात से मुझे पता लग गया कि वालिद साहब के साथ क्या होने वाला है और ये छुपा रहे हैं ऐसा, ये ज़िंदगी भर का ज़ख्म है। हमें हमारी वालदा की डेथ पर एक अंकल थे, उन्होंने कहा 1 हफ़्ता रोएंगे, 2 हफ़्ता रोएंगे, 3 हफ़्ते रोएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत हो जाएगी। पता है उनके क्या, हमें तब समझ नहीं आई, उनके कहने का मकसद ये था कि इनके आंसू खुश्क हो जाएंगे। अब आंसू तो खुश्क हो गए हैं लेकिन दिल रोज़ रोता है, कोई ऐसी रात नहीं कि दिल रोता ना हो। डिजिटल मीडिया को कैसे देखती हैं? कभी इत्तेफाक हुआ आपका इस पर काम करने का? इत्तेफाक मेरा ऐसे हुआ कि मेरे मतलब कॉलेजेस में जो मतलब स्टूडेंट्स किट्स वगैरह कर लेते हैं, मतलब जो इवेंट्स होते हैं उनके एनुअल फंक्शन आ रहा है जी, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इवेंट्स वगैरह, उस पर मैंने किया था एक मतलब एक फैमिली प्ले था, तो उस पर मुझे मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे उस पर, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं स्टेज शोज़ या स्टेज ड्रामास करूँ। वो जुगत जो आपको बहुत याद आती है? एक दफ़ा ना मेरे वालिद साहब, एक बार मुझे बड़ी याद आती, मैं कभी कहूँ ना कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ, मैं ऐसे आ रही हूँ, तो ना मेरे अबू ने मुझे कहा कि पुत्र मेरी धी दा ऑफिस क्या कह के ना मुझे हंसना हो गया वो ऑफिस मुझे ये बात मैं कल ही मतलब घर में याद करी, मैंने कहा वालिद साहब ने मुझे ऐसे करते थे कि ऑफिस क्या है कि मेरा मुँह वो ऑफिस हो गया, ये बात बड़ी सारी बातें याद आती हैं।
ये बड़ी अच्छी क्रिटिसिज्म है। अच्छा माशाल्लाह एहो जी कुड़ियां ना एहो जियां औरतां बिल्लियां दी लड़ाइयां च चेयरमैन हुंदियां ने आ भी माशाल्लाह बिल्ली लगदे ने। ये बिल्ली आपको काफी देर से तंग कर रही है। ये बिल्ली को पता लग गया मेरी वड्डी मासी आ गई है। पता नहीं की लभदी पई है ओदी कोई शै गवाज गई ओनू ओनू रब ने ओनू अपनी पाती ओनू की वजूगत करना। गाना बहुत अच्छा गाती है। हां सुना इतना अच्छा नहीं गाती। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियां ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियां। बड़ा मुख्तसर सा सुनाया मैंने जल्दी में। ये बिल्ली बिल्ली है मेरी जान बिल्ली नहीं मैंने मेरी जान चढ़ती पई। बिल्ली भी करीब करीब है। आपने बातें सुनी जरगून की और नाम तो उनका आपने याद रखना है कि उनका नाम जरगून नहीं है जरगून है और उम्मीद करते हैं कि जरगून अपना ख्वाब जल्द ही मुकम्मल कर लेगी।